जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शत्रु का खात्मा करने वाला एक प्रचंड वशीकरण का उपाय। अगर आपको सच में किसी शत्रु ने परेशान कर रखा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका हर बनता हुआ काम बिगाड़ देता है, आपको परेशान करता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आप खत्म कर सकते हैं, उसके मन से अपनी छवि को मिटा सकते हैं, जिससे कि वो आपके बारे में भूल जाएगा और आपकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर, वो खुद को परेशान भी नहीं कर पाएगा, खुद का भी ध्यान नहीं रख पाएगा। इस तरह का ये उपाय है दोस्तों। तो इसे करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है इस वीडियो में मैं आपको ध्यान से देखिए बताऊंगी, और कोई भी चीज मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक कपड़े का पुतला बनाना है, और उसके बाद बबूल के कांटे लेकर आने हैं। तो पुतला बनाने के बाद पुतले के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिख दीजिए, काले रंग की कलम से, स्केच पेन या कलम कुछ भी ले सकते हैं आप। उसके बाद बबूल के कांटे आपको पुतले के सिर पर लगा देने हैं। अब ये बन गया आपके दुश्मन का पुतला। अब आपको लेना है काला तिल। काला तिल ले लें, बहुत सारा नहीं चाहिए, एक मुट्ठी काला तिल लें, और उसके बाद उसे अपने सामने रख कर बैठें। आपने आग के पौधे के बारे में सुना होगा। आग का पौधा शनि भगवान को उसके पत्ते की माला चढ़ाई जाती है, उसी के आपको पत्ते लेने हैं, और उसके बाद काले तिल के ऊपर आपको उसे रख देना है। पत्ते को रखने के बाद उसके ऊपर आपको ये पुतला रखना है, और पुतले के ऊपर आपने बबूल के कांटे लगा रखे हैं। अब एक नींबू ले लीजिए, और नींबू पर लिख दीजिए अपने दुश्मन का नाम। दुश्मन का नाम लिखने के बाद नींबू को अपने सीधे हाथ में रखिए, और उसके बाद पुतले के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको 7 बार घुमाना है। यानी कि एक बार आप ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर एक बार नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करके नींबू से आपको पुतले को ऊपर नीचे करते हुए 7 बार घुमाना है। उसके बाद आपको उस नींबू को उस पुतले के ऊपर ही रख देना है, और एक बड़ी सुई की सहायता से आपको सुई ले लें, या फिर बबूल का कांटा अगर आपको बड़ा मिल जाए तो आप बबूल के कांटे की सहायता से उस नींबू को पुतले के अंदर आपको घुसा देना है। पूरी तरह से नहीं घुस पाएगा, तो आपको बस इतना करना है कि जो आप बबूल का कांटा ले रहे हैं वो आपको नींबू में अच्छे से डाल देना है। ये सारी सामग्री आपको अपने सामने रखनी है, और उसके बाद आपको इसको एक काले कपड़े में उठा लेना है। तो मतलब जब आप ये सारा काम कर रहे होंगे, विधि कर रहे होंगे, तो अपने सामने आप पहले एक काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर ही काला तिल रखें, उसके ऊपर ही पुतला रखें, और उसके ऊपर ही नींबू रखें। जब विधि पूरी हो जाए तो काले कपड़े को सफाई से आपको उठा लेना है, ताकि कोई भी सामान नीचे न गिरे। अब इसकी एक पोटली बना लें, और उसके बाद आपके घर के पास में कोई भी ऐसी सुनसान जगह देख लें जहां पर कि कोई भी आता जाता ना हो। वहां पर आपको मिट्टी खोदनी है, कम से कम 1 फुट नीचे गड्ढा खोदना है, और उसके बाद इस पूरे सामान को वहां पर दबा देना है। वहां से चुपचाप अपने घर चले आए, पीछे पलट के ना देखें। घर आकर कपड़े बदल लें, मुंह हाथ धो लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, और दोस्तों आप देखेंगे कि मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जिंदगी दुश्मन के बिना हो गई है। आपकी लाइफ का जो दुश्मन है वो कहीं दूर चला गया है। आपको ऐसा खुद महसूस होगा कि जिंदगी में अब कोई दुश्मन नहीं बचा है, और जो भी दुश्मन था वो अब दूर जा चुका है। तो इस उपाय को आप आजमाइए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और हेल्प चाहिए, कोई और समस्या है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।